सिरोही जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रेखा जैन चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। प्रशासन ने गोचर भूमि को करवाया मुक्त, पंडित उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर ज्ञाप किया। जवाल नदी में अवैध बजरी परिवहन की कार्यवाही, जिला कलेक्टर ने पंचायत भवनों व स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का किया विरोध और इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रशासन ने गोचर भूमि को करवाया मुक्त। मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती ग्राम पंचायत पाड़ी में रेली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाड़ी के स्कूल मैदान के पास गोचर भूमि पर वार्ड पंच रूपाराम पुत्र मोटाजी मेघवाल निवासी पाड़ी एवं उनके रिश्तेदार सुरेश पुत्र लादाजी मेघवाल निवासी अंगोर ने स्कूल परकोटे के ठेके में आड़ लेकर गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण कर कोटे की बाड़ बनाकर अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत सुरेश पुरोहित ने जिला कलेक्टर तहसीलदार विकास अधिकारी सिरोही व पाड़ी ग्राम पंचायत को की थी, जिससे प्रशासन ने उक्त अतिक्रमी पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने मौके पर पहुंच जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव में ही लखमाराम देवासी रेवाड़ी द्वारा पक्का मकान जो अतिक्रमण कर बनाया था उसे भी ध्वस्त कर दिया एवं गोलिया शमशान भूमि पर जाने वाले रास्ते को भी खुलवाया गया। मौके पर RI शंकरलाल बामनिया, पटवारी राजेश शर्मा, वार्ड पंच जितेंद्र सिंह सोलंकी ने मौके पर पहुंच रेली व गोलिया के अतिक्रमण जेसीबी मशीन की सहायता से हटवा दिया गया। पंडित उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। रमेश सुधार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भाजपा कार्यकर्ताओं के पद प्रदर्शक एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर भाजपा नगर मंडल सिरोही के तत्वाधान में शहर की बूथ स्तर पर स्थित 5 शक्ति केंद्रों पर पार्टी झंडा लगाने के साथ उनके चित्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के नेतृत्व में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के अनुसार संगठन के निर्देशानुसार बूथ स्तर पर पंडित उपाध्याय की जयंती मनाने के मौके पर जनसंघ और भाजपा स्थापना एवं पार्टी की गौरवमय विकास यात्रा के उपाध्याय में अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। इसी मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि उपाध्याय आजीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित रहे और उनकी जयंती मनाकर सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी मौके पर क्षेत्रीय सांसद देव जी एम पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कोरोना के मद्देनजर मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। इसी अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष गीता पुरोहित, मणिबाई माली, जितेंद्र समेत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी उपस्थित थी। इसी अवसर पर मंडल अध्यक्ष ने रक्तदान किया। जवाल नदी में अवैध बजरी परिवहन पर की कार्यवाही। मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना द्वारा अवैध रूप से खनिज पदार्थों का खनन परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीनल कुमार, DYSP अंकित जैन के निर्देशन में पुलिस थाना कोतवाली सिरोही क्षेत्र में अवैध रूप से खनन पदार्थों का खनन तथा परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु कोतवाली सिरोही थाना अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित टीम द्वारा रात्रि के दौरान गश्त बजरी का परिवहन कर रहे टैंपरों को रुकवा कर बजरी परिवहन करने के बारे में पूछा गया तो टैंपर चालकों द्वारा उक्त बजरी जावल नदी में से खनन कर टैंपरों को भरना तथा उदयपुर ले जाना बताया। सिरोही कोतवाल पुलिस की कार्यवाही के बाद खनन विभाग आनंद फानन में अवैध बजरी परिवहन पर कार्यवाही कर 2 टैंपरों को मौके पर सीज किया। सिरोही पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में डंपर चालकों ने जावल नदी से बजरी भरकर उदयपुर के लिए परिवहन की जाने वाली बात स्वीकार की है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना रात के अंधेरे में जावल नदी से तकरीबन 50 से ज्यादा डंपरों द्वारा अवैध बजरी खनन का परिवहन होता है। कोतवाली सिरोही के पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुरेश दान, कांस्टेबल सीताराम, दिनेश कुमार, जगदीश कुमार व लोकेश कुमार ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
फिर से आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर ने पंचायत भवनों व स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। रमेश सुथार की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने ग्राम पंचायत अनगोद व रामपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त दोनों ग्राम पंचायतों की पद स्थापित संपूर्ण स्टाफ अनुपस्थित मिले। वही कार्यालय में नोटिस बोर्ड भी लगे हुए नहीं थे। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनगो, किसान सेवा केंद्र खंबल व ग्राम पंचायत पाड़ी का भी आरक्षित निरीक्षण किया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनगो में स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। साथ ही किसान सेवा केंद्र खंबल प्रातः 10 बजे तक बंद पाया मिला एवं ग्राम पंचायत पाड़ी में उपस्थित ग्रामीणों के मास्क पहने हुए नहीं थे, नहीं उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी। इसके लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु इसके नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाड़ी के निरीक्षण पर किसी तरह की अनियमितताएं नहीं पाई गई। शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का किया विरोध। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग राजस्थान में इस वर्ष की सारी पदोन्नति प्रक्रिया लंबित एवं प्रक्रियाधीन है। अनुमोदन कमेटी की बैठक के बाद पोस्टिंग होनी है, लेकिन पदोन्नति के पहले शिक्षा तबादला में प्रक्रिया शुरू करने से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी है। राज्य सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध उठाते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाचार्य से लेकर वरिष्ठ अध्यापक कैंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मांगे हैं। एक तरफ सरकार प्रदेश के 8000 व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक तथा शिक्षकों प्रबोधकों शारीरिक शिक्षकों को पदोन्नति करने जा रही है, तो दूसरी तरफ तबादलों के लिए आवेदन मांगे नए हैं। वही इस शिक्षक दुविधा में है कि आखिर में किसका चयन करें। कहने को तो सारे ऑनलाइन आवेदन है, लेकिन हकीकत में दिखावा है। राजस्थान सरकार ने एक वर्ष पहले भी ऑनलाइन आवेदन लेकर राज्य नेताओं की डिजाइनर की आधार पर स्थानांतरण किए थे, जिससे शिक्षकों को बार बार राजनेताओं की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में 80,000 शिक्षक, 27,000 प्रबोधक तथा शारीरिक शिक्षक 2 वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 1 वर्ष पहले भी इनको स्थानांतरण से वंचित रखा और अब भी इनके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं रखने से सभी शिक्षक प्रबोधक व शारीरिक शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। सरकार तबादला नीति शीघ्र लागू कर शिक्षक प्रबोधक तथा शारीरिक शिक्षक के भी तबादले कर राहत प्रदान करें। इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही में केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय व राजस्थान सरकार के खेल विभाग द्वारा की इंडिया के निर्देशन में हॉकी राजस्थान व राजस्थान ओलंपिक संघ के तत्वाधान में हॉकी सिरोही द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र से कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता व कोरोना महामारी से बचा 10 संबंध की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉकी सिरोही की सचिव रंजीत स्मिथ ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत डोडवा के सरपंच गिरजा कुंवर, कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवगंज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भवानी सिंह देवड़ा, ग्राम विकास अधिकारी भरत कुमार बाढ़, पंच पिंकी कुमारी प्रजापत के सानिध्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रवाना किया। हॉकी सिरोही के सचिव ने बताया खिलाड़ियों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत 2 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सभी लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में हुनर सिंह देवड़ा, मोहन लाल परमार, हिम्मत सिंह चारण के, चंचावली देवी, मीनाक्षी चौहान, नरेश सेन, सुब्रत कुमार सिन्हा, दुर्गेश खंडेलवाल, कमलेश पुरोहित, राष्ट्रीय खिलाड़ी आशा कुमारी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।